हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका मदर मेड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो है वाइट ऑयल। ये वाइट ऑयल वो है जो सर्फ बनाने में यूज़ होता है। इसका मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 80 रुपीज़ पर केजी है, पर हम लोग जो बनाएंगे 40 से भी कम आएगा। तो यह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसको बना के, जिससे कि आपको मार्केट से नहीं लेना पड़े और आप घर पे खुद ही बना लें। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, मैं पहले आपको रॉ मटेरियल्स दिखाऊंगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगी, और उसके बाद में मैं रॉ मटेरियल्स कितना कितना लेना है क्वांटिटी बताऊंगी। तो इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा वीडियो ठीक से, उसकी मटेरियल्स की क्वांटिटी भी नहीं पता चलेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स देख लेते हैं। देखिए, ये ऐसे स्लरी है, इसको काला पानी भी बोलते हैं, और ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये SLES है, देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट होता है इस तरह से, और ये भी बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है। इंडस्ट्रियल केमिकल शॉप्स जो होती हैं आपके लोकल एरिया में, वहाँ पे देखिए और ये पूछिए, तो वो इसको देंगे आपको। ये नमक है जो आप किचन में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट है, वो ही लेना है। ये पानी है, टैप वाटर नहीं लेना है, आप RO वाटर ले सकते हैं, DM वाटर भी ले सकते हैं। टैप वाटर लेने से ख़राब हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, थोड़े दिन तक चलेगा और प्रोडक्ट ठीक भी नहीं बनेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। ये खाली बाउल मैंने लिया है, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एसिड स्लरी मिला रही हूँ। इसको काफ़ी देर तक मिक्स करना होता है, जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। मैं थोड़ा सा पानी और मिला रही हूँ, थोड़ा पानी कम है, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, अब ये मिक्स हो गया, इस तरह से दिखेगा अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में। अब मैं इसमें SLES मिला रही हूँ। मैं इसमें और पानी मिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाना है, जितना मिलाना है वो सब धीरे धीरे मिलाना है, एक साथ मिलाएंगे तो ठीक से मिक्स नहीं होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है।
फिर से थोड़ा पानी मिला रही हूँ। लगातार अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक एकदम अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाए। अब मैं इसमें नमक मिला रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइट ऑयल तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉटल है, मैं इसमें फिल कर रही हूँ। मार्केट में बहुत तरह की बॉटल्स अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो आप अच्छी सी बॉटल लीजिए और उसमें फिल करिए। ये इसका बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि 80 रुपीज़ केजी ये मिलता है और घर पर 40 के अराउंड बन जाता है, तो इसमें प्रॉफिट काफ़ी है। अब मैं दिखाऊंगी कि इसमें झाग कितना बनेगा इस लिक्विड से। तो मैं ये थोड़ा सा पानी लिया है इसमें और इसमें ये डाल रही हूँ थोड़ा सा वाइट ऑयल। तो देखिए कितने झाग बने हैं। जरा सा मैंने लिया था वाइट ऑयल और झाग देखिए कितने ज़्यादा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है। दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ कि कितना क्वांटिटी आपको रॉ मटेरियल्स की लेनी है। तो सबसे पहले मैं पानी बता रही हूँ, वाटर। वाटर आपको लेना है 1 लीटर। फिर उसके बाद में आपको एसिड स्लरी लेनी है 80 ml, 80 ml। फिर आपको SLES लेना है 50 ml, 50 ml। और फिर सॉल्ट लेना है आपको
15 से 20 ग्राम ले सकते हैं। तो इस सब को मिला के आपका वाइट ऑयल बन जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पानी 1 लीटर ले लीजिएगा और जो पानी बीच बीच में मिलाना है उसमें से ही मिलाइएगा, जिससे कि पानी ज़्यादा नहीं हो जाए। और पानी आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, नहीं तो वो ठीक से मिक्स नहीं होगा। और उसके बाद में जब आप सॉल्ट मिलाएं तो सॉल्ट को भी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। जैसे ही आपका गाढ़ा हो जाए आप सॉल्ट डालना स्टॉप कर दीजिएगा। ज़्यादा सॉल्ट मिलाएंगे तो वो फिर दोबारा पतला हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 20 ग्राम उसमें लगे, जितना सॉल्ट लगे आप उतना ही मिलाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के सबके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक बेल दिखेगी, उसको प्रेस कर दीजिए। बेल प्रेस करने के बाद में 3 ऑप्शंस दिखेंगे, तो उसमें ऑल वाले को क्लिक कर दीजिएगा। ऑल क्लिक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको क्लिक करने से ऐसा होगा कि नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा और तुरंत आएगा। तो अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑल ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।